वर्ल्ड रिकॉर्ड कांग्रेस सरकार ने बना, पेपर लीक करने का। बीजेपी हाँ। अच्छा, चुनाव में आप लोगों की पसंद कौन है? भारतीय जनता पार्टी है, बदलनी चाहिए हर बार, एक को लाके मतलब नहीं, चेंज तो होना चाहिए। अगर विधानसभा सत्र पहले कांग्रेसियों का था, उसके बाद ये बीजेपी का हो गया। जात पात पे होंगे वोटिंग, जात पात पे ही होंगे वोटिंग। अरे जो राहुल गांधी जी है वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो इस बार तो कांग्रेस पक्का। हाँ, कांग्रेस में थोड़ा टाइम है, बीजेपी आती तो वो हर चीज कम हो। नहीं नहीं बदलेगी, 800 गहलोत को ही देंगे हम। राजस्थान में तो लग रहा है अभी बीजेपी का लग रहा है। हिंदू राष्ट्र की वजह से बीजेपी सबसे बेस्ट। धरती पुत्र में आपका स्वागत है, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। राजस्थान की नीली नगरी सन सिटी जोधपुर में हम पहुंच चुके हैं। ये राव जोधा का शहर है, तो किलों के आसपास बसे मकान आपको दिखाई देंगे। मकानों का कलर नीला हुआ करता है, इसलिए यहां इसे नीली नगरी के नाम से भी लोग जानते हैं। अगर राजनीति की बात करें तो विधानसभा की 10 सीटें यहां पर हैं, जिसमें सिर्फ एक सीट बीजेपी के पास है। यहाँ कांग्रेस का दबदबा रहा है, ये गढ़ कांग्रेस का गढ़ है और यहीं से मुख्यमंत्री गहलोत चुनाव लड़ते हैं। सूरसागर सीट एकमात्र ऐसी सीट जो बीजेपी के पास 2018 में गई थी, लेकिन वर्तमान विधायक का टिकट बीजेपी ने इस बार काट दिया है और नए उम्मीदवार को उतार दिया है, इसलिए जोधपुर का चुनाव बेहद दिलचस्प है। तो आपको अब इस पहाड़ी से नीचे लेकर चलते हैं और लोगों से बात करेंगे, अलग अलग मोहल्ले और गलियों में चलेंगे, बाजार में चलेंगे, लोगों का पूछताछ। असली जोधपुर पुराने जोधपुर में, यानी कि नीली गलियों वाले जोधपुर में बसता है। और ये देखिए, यहाँ की दीवारें नीली हैं, इसीलिए इसे ब्लू सिटी भी कहा जाता है। हम अब पहुंच गए हैं जोधपुर शहरी विधानसभा क्षेत्र में, जहां इन गलियों में घरों में लोग रहते तो हैं, लेकिन इनके मन में क्या चल रहा है, इनका मूड इस बार चुनाव को लेकर क्या है, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है भौजी आपका? नाम संपत चौहान जी। संपत चौहान जी, इस बार चुनाव में कौन? बीजेपी। बीजेपी हाँ। अच्छा, अतुल बंसाली साहब। अच्छा, क्या वजह है इसके पीछे? अच्छा आदमी है, काम करता रहता है हाँ। सबों से मिलजुल रखता है, मिलता रहता है और हमारे बीच में रहते हो। एक चीज बताइए कि इस बार, हालांकि जो परंपरा है राजस्थान की 5-5 साल वाली, उस हिसाब से तो सरकार बदल जानी चाहिए हाँ। लेकिन क्या माहौल है सरकार बदलने वाली? माहौल तो है सर, वो तो रिपीट होती है हर साल हाँ। इस वजह से। लेकिन इस बार बीजेपी ने कोई सीएम चेहरा नहीं दिया है। वो तो जीत के आएगा, जब पता लगेगा कि सीएम का चेहरा कौन होगा। तो उससे कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। आप क्या कह रहे हैं? मनोहर लाल नाम है मेरा, सत्ता परिवर्तन होगी हाँ। विकास का सब कोई शहर में हुआ नहीं, पूरा शहर खड्डा खुदवा पड़े सब पूरे शहर के अंदर हाँ। सरकार तो चेंज होगी, दिखता है फिर ईश्वर की मर्जी। लेकिन एक बात जो नहीं है इस बार की, बीजेपी की तरफ से कोई चेहरा नहीं रखा गया है। पहले वसुंधरा राजे चेहरा के तौर पर होती थी, इस बार वो नहीं है। वो तो सिचुएशन के ऊपर खेल है हाँ। अभी ऐसी स्थिति है कि चेहरा कोशिश नहीं कर सकते हैं, तो जीत के आएंगे मेंबर, उसके बाद वो अपने आप चुन लेंगे सरकार, किसको चीफ मिनिस्टर बनाना है। यहीं रहते हैं हाँ। यही है घर आपका? अच्छा हाँ, क्या नाम है? नवीन। नवीन जी, ये बताइए कि इस बार चुनाव में आप लोगों की पसंद कौन है? भारतीय जनता पार्टी है, अतुल बंसाली। भारतीय जनता पार्टी है, तो सरकार इस बार बदलेगी कि चलती रहेगी कांग्रेस की? बदलनी चाहिए हर बार, एक को लाके मतलब नहीं, चेंज तो होना चाहिए। ये हर साल, हर 5 साल में आप लोग चेंज करते रहेंगे? अच्छा रहता है ना हाँ। कम से कम पता चलता है किसकी क्या पॉलिसी चल रही है, क्या हो रहा है, ताकि हर समय चेंज होता रहे। नहीं तो एक ही एक चलता रहेगा तो कुछ ना कुछ ज्यादा घोटाला होगा। अच्छा, ये तो एक चेंज होगा तो एक उसका पता चलेगा कहाँ पे ये सही है। एक टेलर की दुकान है भाई साहब, नमस्कार। क्या नाम है जी? अब्दुल भाई, जैसा वो कह रहे हैं कि हर 5 साल में जैसा होता है वैसा होते रहना चाहिए, उससे फायदा होनी नहीं चाहिए।
जब मोदी सरकार को आप रखना चाहते हो तो इसको भी रखो, ठीक है ना। मोदी सरकार जब एक चाहिए तो यहाँ राजस्थान में हमें कांग्रेस चाहिए, अशोक गहलोत चाहिए। तो मोदी सरकार आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, मोदी सरकार नहीं चाहिए, लेकिन अशोक गहलोत सरकार चाहिए। ये बात यही है अभी सारी, क्या करें। तो ये बात है कि मोदी को अगर आप रखना चाहते हैं तो आप कांग्रेस को क्यों नहीं रिपीट कर सकते हैं? क्या नाम है आपका? मुरलीधर बोड़ा। थोड़े लंबे हैं आप, ऊपर चढ़ गए हैं तो और हाथ मेरा ऊपर उठाना पड़ेगा। ये कह रहे हैं कि अगर मोदी सरकार को आप रिपीट करना चाहते हैं तो गहलोत सरकार को भी रिपीट कर दीजिए। गहलोत को रिपीट नहीं होना चाहिए सर। हाँ, नहीं होना चाहिए रिपीट। क्यों, क्या वजह है? आज एजुकेशन सिस्टम में आप देखो, आईएएस आरएएस जो क्वालिफिकेशन जो जारी है, डोटासा जो की फैमिली में सब बन चुके हैं, आरएएस अफसर बन चुके हैं, कोई कुछ बन चुका है, जब उनकी कुछ है ही नहीं। तो आप लोगों को लग रहा है कि भ्रष्टाचार है, घपला है? घपला भ्रष्टाचार नहीं कह सकते अपन। हाँ। पर ये हो ही नहीं रहे ना, आप देखो रिट की पेपर लीक हो रहे हैं, एक भी वैकेंसी फुलफिल नहीं हुई अभी तक। आप क्या करते हैं? मैं फार्मा इंडस्ट्री में। अच्छा, फार्मा इंडस्ट्री में। तो यूथ जो है वो क्या चाहता है और उसका रुझान किधर है? तो यूथ को क्या चाहिए, जॉब चाहिए। आप जॉब ये गवर्नमेंट नहीं दे पाई है ना, बस वही मैटर हो रहा है। गवर्नमेंट नहीं दे पाई है जॉब? दे पाई आप बताइए। तो ये जॉब नहीं मिला, ये एक मुद्दा है आप? हाँ, यूथ का तो मुद्दा यही रहेगा। ठीक है, माता जी नमस्ते, कैसी हैं? ठीक है, बहुत गर्मी हो गई है। हाँ, ना धूप बहुत तेज पड़ती है यहाँ तो जोधपुर। मैं एसी में रहती हूँ ना ज्यादा, तो इसके हिसाब एसी वालों को ज्यादा, हम लोग भी गाड़ी में बैठ जाते हैं एसी में और बाहर निकलते तो एकदम पसीने में हो जाते हैं, ये दिक्कत होती है। और चुनाव का कैसा माहौल चल रहा है आपके यहाँ? ठीक है, ठीक है। कौन आ रहा है? अभी तो कोई नहीं आया, अभी तक तो कोई नहीं आया। इस बार चुनाव में आप लोग क्या चाहती हैं कि कौन आए? बीजेपी आए, 100% बीजेपी आए। अच्छा, 100% आ रही है कि आएगी? आएगी, 100% आएगी। तो ये इतना 100% कहाँ से आ रहा है? दिल से आ रहा है। लेकिन क्या लोगों के बीच भी बातचीत जो हो रही है या माहौल जो है उससे लग रहा है कि 100% बीजेपी आ रही है? अरे हमारे शहर में तो बीजेपी आई। सूरसागर एकमात्र विधानसभा जिस पर 2018 में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन बीजेपी ने अपने उम्मीदवार को इस बार बदल दिया है और 83 साल की जो जीजी यहां से विधायक लगातार चुनी जाती रही हैं, उनको इस बार टिकट नहीं दिया गया है। तो उससे कितना यहां फर्क पड़ेगा, क्या बदल जाएगा, ये हम पूछते हैं यहां के लोगों से। क्या नाम है आपका? अच्छा, इनसे बात करें। ये आपके? मैं बाहर रहता हूं। अच्छा, ये बाहर रहते हैं तो इनसे बात करूं। जी देखो, फर्क तो बहुत कुछ पड़ेगा अब। हाँ। क्योंकि ये जो सत्र है, सूरसागर विधानसभा सत्र, पहले कांग्रेसियों का था। हाँ। उसके बाद ये बीजेपी का हो गया। अब इसमें बीजेपी कैंडिडेट है देवेंद्र जी, तो मोदी जी के हिसाब से मोदी जी ने जितना काम किया है उसको देखते हुए पब्लिक यही कहेगी कि बीजेपी आए। कांग्रेस से बहुत परेशान हो गई है जनता यहाँ की। कांग्रेस से परेशान हो गई? तो जीजी के कैंडिडेट जो हैं वो बदल गए हैं इस बार, मतलब जीजी नहीं है कैंडिडेट। की एज भी हो गई है, जीजी भी काफी समय तक एमएलए रह चुकी है शहर से, फिर बाद में सूरसागर विधानसभा से रह गई है, अभी उसकी एज हो गई है, तो इसलिए कैंडिडेट को चेंज किया गया है। ठीक है, तो सूर्यकांता व्यास अगर उम्मीदवार नहीं है तो यहाँ कोई फर्क पड़ रहा है क्या इस विधानसभा में? यहाँ फर्क पड़ता है, क्यों को लेडीज थी, लेडीज यहाँ सब जानती थी उसको, सूर्यकांत आई, सूर्यकांत आई, बस बाकी। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि अब उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई तो किसी नए आदमी को मौका दिया गया। अब इसकी उम्र ज्यादा नहीं होती तो इसको ही टिकट मिलता था। हाँ। इसकी उम्र ज्यादा है इसलिए ज्यादा चल फिर नहीं सकती, इसलिए टिकट दूसरे उम्मीदवार को दिया। सरकार किसकी बनाना चाहते हैं आप? सरकार तो अशोक गहलोत की बननी चाहिए। ठीक, तो राजस्थान में भी क्या जात पात के आधार पर वोटिंग हो रही है इस बार? क्या नाम है आपका? हरिओम पुरोहित। पुरोहित जी, क्या जात पात देखकर राजस्थान में भी वोटिंग होती है या हो रही है इस बार? जात पात पे होंगे वोटिंग तो। हाँ। जात पात पे ही होंगे वोटिंग तो। अच्छा। हाँ, बिल्कुल जात पे ही वोट देते हैं। हाँ। तो आप लोग किसके साथ हैं? हम तो सरकारी कर्मचारी, हम नहीं बोल सकते हम। हाँ। तो आपके आसपास के जो मोहल्ले के लोग हैं आपकी जात के, वो किसके साथ हैं? जात के साथ रहेंगे सब, अपनी जात के साथ रहेंगे, सब अपनी जाति के साथ रहेंगे। आपकी क्या राय है?
हमारी राय यही है बीजेपी को वोट देंगे। हाँ बीजेपी को वोट देने के पीछे कोई वजह भी है क्या? वजह हो नहीं हो हम देते हैं, बीजेपी वाले हैं हम, कट्टर बीजेपी ही है। अच्छा। हाँ भाई सरकार कोई भी आओ वोट बीजेपी को ही देते हैं। नहीं उन्होंने कहा कि हमारी जाति के गहलोत जी हैं। हम जाति वाति में नहीं है, हम देते हैं बीजेपी वाले हैं, बीजेपी को ही देते हैं। कट्टर बीजेपी वाले होने का मतलब ये है कि जब से आपने वोट देना शुरू किया तब से बीजेपी, में दिया है, कांग्रेस को नहीं दिया है। पिछली बार तो सरकार बनी थी यहाँ पर 9 सीट जीती थी कांग्रेस। भले जीती हो हमने तो बीजेपी का, यहाँ तो बीजेपी का ही दिया है हमने वोट। अच्छा भले कोई जीते सरकार वोट बीजेपी को देते हैं। कि शहर वाला इलाका और सुरसागर वाला इलाका, ये जो सामने आप देख रहे हैं ये दुकान ये गली वो शहरी विधानसभा क्षेत्र है सुरसागर, और सड़क की दूसरी तरफ जिधर मैं खड़ा हूँ जरा पीयूष जी दिखा दीजिए, ये जिधर लोगों से मैं इधर बात कर रहा हूँ तो ये सुरसागर विधानसभा, ये जीजी वाला विधानसभा, एक ही विधानसभा जो बीजेपी जीत पाई थी पिछली बार है ना, तो ये उधर से आए हैं इसलिए थोड़ा सा घालमेल हो गया है, लेकिन ठीक है चुनाव की बात चल रही है। तो बीजेपी की सरकार बनेगी या सिर्फ कुछ जो कट्टर वोटर हैं वही उनके साथ है? बीजेपी की बनेगी, इस सरकार ने मोमडन के अलावा कुछ नहीं किया कांग्रेस सरकार ने। आपको लग रहा है हिंदू मुसलमान? हाँ बस बस बस। तो क्या हुआ है हिंदू मुसलमान? अभी वो पुष्पक स्कूल का वो हुआ था वहाँ पे जालोरी गेट पे, उसमें टोटली उनको ब्राह्मणों को अंदर डलवा दिया और एक भी नहीं गया अंदर, जबकि वो झंडा गाड़ने को लिए, वो अभी भी मुद्दा कायम है वो। अच्छा हाँ उसका इम्पैक्ट है? इम्पैक्ट है अभी, मतलब जो दंगा हुआ था उसका इम्पैक्ट अभी तक है? अभी तक है। और चुनाव पर इसका इम्पैक्ट होगा? होगा 100% होगा, 100% हो जाएगा। 2014 के बाद और 2014 से ही कह लें कि चाय पर चुनाव की चर्चा खूब हो रही है ना, तो इसीलिए हम लोग भी आ गए हैं एक चाय की दुकान पर जहाँ पर कुछ लोग चाय पी रहे हैं। आपका क्या नाम है? सैयद कमर अली। सैयद भाई क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में लोगों का मूड क्या है? चुनाव में लोगों का मूड है जो अशोक जी ने जो कामकाज किए हैं जनहित में वो उसको लेके जनता बहुत मतलब एक्साइटिंग है, उत्साहित है। और जैसे कि उन्होंने आपके मेडिकल में जो चिरंजीवी लिया, ठीक है नहीं, 25 साल का बीमा, 10 साल का बीमा। क्या लग रहा है जोशी जी? जोशी जी कहाँ, उत्तराखंड के रहने वाले होंगे? यहीं के बेसिकली, तो उधर के ही रहने वाले होंगे, यहीं के रहने वाले के। कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? अब मैं बिहार, मैं झा हूँ, जन्म हुआ वहाँ, उसके बाद दिल्ली में रहने लग गया, लेकिन मैं तो बिहारी ही कहलाया या कहलाऊंगा, है ना। तो लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। आपको क्या लग रहा है कि किसकी सरकार बन सकती है और मूड क्या है लोगों का? लोगों का मूड अशोक जी की तरफ ही है। हाँ। अशोक जी ने इतने विकास के कार्य कराए, जनता के हित के कार्य कराए जिससे जनता लाभान्वित हुई है। जो आपने 10 योजना निकाली, राहत कैंप निकाले जिससे कि बेरोजगारी कम हुई और लोगों के घर के अंदर राशन की व्यवस्था हुई जिसे किट दिया और 100 इंच बिजली माफ की। तो ये जो जन कल्याण योजना है इस योजना के सारे अशोक गहलोत की पुनः सरकार बनेगी, अशोक गहलोत चौथी बार हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। भौजी आपको भी ऐसे ही लगता है? बिल्कुल लगता है, 100% बिल्कुल 101% लगता है। विकास पुरुष की ही सरकार राजस्थान में रिपीट होने जा रही है। ऐसा तो नहीं कि अशोक गहलोत जी के मतलब इलाके जोधपुर उनका दबदबा माना जाता है, तो उनके इलाके में आप लोग तो इसीलिए कह रहे हैं कि वो जीत जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं। लोकसभा में तो 2 बार से बीजेपी जीतती आ रही है। हाँ ये बात भी सही है। लोकसभा ये कैसे आप लोग कर देते हैं कि लोकसभा में आप लोग बीजेपी को जिता देते हैं 2-2 बार? हम लोग नहीं जिताते हैं। हाँ। हम तो विकास पुरुष को ही वोट देते हैं, उसी के पीछे चलते हैं। तो राहुल गांधी भी आप लोगों को विकास पुरुष लगते हैं? बिल्कुल लगते हैं। हाँ। राहुल गांधी तो विकास पुरुष नहीं है तो फिर और कौन है? तो फिर तो लोकसभा चुनाव में भी आप लोगों को जिताना चाहिए कांग्रेस को यहाँ से। वो हो जाता है, डिफरेंस आ जाता है, वोटर है आ जाता है। जी क्या है? मोहम्मद सलीम। क्या लग रहा है? ये लग रहा है बस कांग्रेस जीतनी चाहिए, अशोक गहलोत की आना चाहिए। देखिए मैंने पहले कहा था ना आपको कि मैं घूम रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, तो मुझे एक चीज महसूस हो रही है कि ऐसा है कि मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो सिर्फ कांग्रेस के साथ, उसके पीछे वजह चाहे जो भी है, लेकिन ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ। आपका क्या नाम है? विजय किशन। विजय जी क्या लग रहा है आपको? ये सब जो लोग कह रहे हैं वही लगता है कि आप थोड़ी अलग सोच रखते हैं? वही लगता है। अगर कह देंगे कि नहीं हमको वो नहीं लगता तो कल से चाय पीना ये लोग बंद नहीं करते? ऐसा ही नहीं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार फिर से सरदारपुरा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और हम बंबा मोहल्ला आ गए हैं। ये सरदारपुरा सीट विधानसभा क्षेत्र का ही इलाका है, मुस्लिम आबादी यहाँ पर है, और अगर वैसे
जोधपुर की अगर बात कर लें तो 20% मुस्लिम आबादी वाला ये क्षेत्र है और धर्म के आधार पर देखें तो दूसरा सबसे बड़ा पॉपुलेटेड ये इलाका है मुसलमानों का। यहाँ के लोगों से बात करते हैं और जरा उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर इस बार किसका जोर चल रहा है। क्या नाम है जी आपका? सलीम नाम है मेरा। सलीम, मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम, क्या लग रहा है आपको कि इस बार अशोक गहलोत जी का जोर चल रहा है कि बीजेपी का? हमारे यहाँ तो अशोक गहलोत जी का जोर चलता है राज, और उनके वो जाएंगे और कोई नहीं आ सकता यहाँ। तो अशोक गहलोत जी का ही राज चलता रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल। क्या वजह है? वजह वो अच्छा आदमी है, अच्छा काम कराता है, अच्छा काम होता है, हर जगह आते है वो। अच्छा, परेशानी में आते है, सुख में आते है, दुख में आते है, सब में आते है वो लोग। हाँ जी आपका, हाँ माननीय अशोक जी गहलोत साहब एक ऐसे मुख्यमंत्री है पूरे हिंदुस्तान में, इनके मुकाबले कोई मुख्यमंत्री नहीं है ना होगा। और पूरे सरदारपुरे की जनता इनको रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतेगी, इन्होंने सराहनीय काम किया है। आपका क्या नाम है जी? जावेद। जावेद भाई आपको क्या लग रहा है? अशोक जी आएंगे। अशोक जी, कोई और दूसरा कैंडिडेट उम्मीदवार को आप लोग क्यों नहीं पसंद करते हैं? नहीं, वो एकदम सही है अशोक जी हमारे लिए। हर बार अशोक गहलोत? हाँ, अभी भी अशोक गहलोत आएंगे। अशोक गहलोत जी से आप बोर नहीं हो रहे हैं कि अब हो गया, बहुत बार उनको मौका दिया? नहीं, और आएंगे। अशोक गहलोत जी फिर आएंगे। क्या करते हैं अशोक गहलोत आप लोग? काम अच्छा करते हैं, ऐसा कोई काम नहीं हमारा, हर काम कार्ड है, जो भी है राशन कार्ड है, जो भी है सब सब होता है। जरा और भी लोगों से इधर बात करते हैं, देखिए उधर कुछ लोग बैठे हैं। कौन अपना? हाँ जी, क्या नाम है आपका? नासिर खान। नासिर खान, नासिर खान क्या लग रहा है आपको कि इस बार राजस्थान के चुनाव में कौन जीतेगा? देखो ऐसी बात है, हमारे जो राहुल गांधी जी है वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो इस बार तो कांग्रेस पक्का। आप लोगों को भी ये बताया जाता है, डराया जाता है कि बीजेपी आ गई तो नुकसान हो जाएगा, बीजेपी आ गई तो ये हो जाएगा। डरा के तो कौन वोट लेगा? डरा के तो कौन वोट लेगा यार? डरा के वोट नहीं लेगा। डरा के कौन वोट लेगा? डरा के कोई वोट नहीं ले सकता। बस बस बस, इच्छा उसे देंगे, बस इच्छा होगी तो वोट करेंगे, है ना भाई साहब? आ जाओ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुबीन खान। मुबीन खान, मुबीन भाई क्या ऐसा है कि मुसलमानों को ये बताया गया कि देखो कांग्रेस आएगी तो ठीक है, कोई दूसरी पार्टी आ जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा? नहीं नहीं, कांग्रेस सही है राजस्थान में। राजस्थान में कांग्रेस सही है, राजस्थान में कांग्रेस सही है। ऐसा क्यों है? अशोक गहलोत जी पर आरोप ये भी लगते हैं कि वो एक खास समुदाय को ज्यादा तवज्जो देते हैं। नहीं नहीं, वो सबके साथ है। सबके साथ है? हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं आप लोगों को ज्यादा तवज्जो मिल रहा है इसलिए आप लोग कह रहे हैं कांग्रेस कांग्रेस? ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब साथ में। हाँ। सबके साथ में अशोक जी, सबके साथ में, सबके साथ साथ में। तो कोई दूसरा मुख्यमंत्री बनता है तो सबके साथ नहीं होता है क्या? नहीं होगा ना, सचिन पायलट भी है दूसरी रेस में। हाँ। सचिन पायलट भी है ना, जैसा नहीं है। तो सचिन पायलट अगर मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो अच्छा है, बनेगा तो अच्छा ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता? फर्क नहीं पड़ेगा, कांग्रेस आनी चाहिए बस, कांग्रेस आनी चाहिए। क्या जी, क्या नाम है आपका? असलम। असलम, आपके हिसाब से बताइए कौन आना चाहिए? कांग्रेस। कांग्रेस ही आना चाहिए, अशोक जी आना चाहिए, अशोक गहलोत। चलिए किसी और इलाके में, किसी और मोहल्ले में आपको लेकर चलते हैं, किसी और बाजार में, और वहां के लोगों से बात करें। जोधपुर आए और यहाँ का मिर्च बड़ा और प्याज कचौड़ी नहीं खाई तो आप समझिए कि जोधपुर की जो आपकी यात्रा है वो पूरी नहीं हुई, जायका का आनंद आपने लिया नहीं। और हम यहाँ की एक ऐसी फेमस दुकान पर है जहाँ पर देखिए मिर्च बड़ा है, ये इतनी बड़ी मिर्च आपको जोधपुर में मिलेगी, और ये प्याज कचौड़ी जो टेस्ट यहाँ की प्याज कचौड़ी में होती है वो आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि हिंदुस्तान में कहीं और आपको टेस्ट नहीं मिलेगा। और यही वजह है कि यहाँ पर प्याज कचौड़ी और मिर्च वड़ा खाने के लिए लोग जो विदेश से आते हैं वो भी यहाँ आते हैं, जो मिर्च नहीं खाते हैं वो भी ये खाते हैं और इस जायके का वो लुत्फ उठाते हैं। तो राजस्थान के लोग भी खूब आते हैं यहाँ पर जोधपुर के। आप यहीं की रहने वाली हैं? हाँ, इधर ही। जोधपुर की रहने वाली हैं? जरा इधर घूमिए ना कैमरे की तरफ। ले लिया मिर्च वड़ा और प्याज कचौड़ी? अभी ले रहे हैं। ले रहे हैं? हाँ। तो रोज आते हैं आप लोग ये खाने के लिए कि कभी कभी चलता है? सिटी में आते हैं तो आते हैं रोज। अच्छा, सिटी में आते हैं तो आते हैं। नमस्ते जी, कैसी हैं? आपने ले लिया? हाँ, मिर्च वड़ा खा लिए? खाएंगे, खाने ही आए। हम जालौर से आ रहे हैं सर, जितनी बार भी जोधपुर आते हैं यहाँ आके खाना ही पड़ता है। खाना ही पड़ता है, तो अच्छा लगता है? टेस्ट बहुत अच्छा है, टेस्ट बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये बताइए, जालौर से आप आ रही हैं तो अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, वहाँ पर किसका दिखाई दे रहा है माहौल? हम तो ज्यादातर तो नोटा को है, क्योंकि वो आदर्श का पेमेंट का रुका हुआ है, इसलिए फिर वो नोटा के बारे में सब कह रहे हैं कि नोटा को वोट देंगे।
आप लोग किसी पार्टी को नहीं चुनेंगे? किसी को नहीं चुनेंगे अबकी बार। क्या लग रहा है कि किसको मौका है इस बार? सर हमारे हिसाब से बीजेपी सरकार आनी चाहिए, क्योंकि जो 5 साल भी गए हैं हमारे राजस्थान में फुल क्राइम, वो हम नहीं देखना चाहते। बीजेपी सरकार अपनी सुव्यवस्थित सरकार है, काम समय पे अनुसार बहुत अच्छा करते हैं, तो हमारी रिक्वायरमेंट है कि बीजेपी सरकार ही आनी चाहिए। देखिए जो लोग यहाँ पर मिर्च वड़ा खाते हैं और तीखा उनको लग जाते हैं, वो लस्सी पीने आ जाते हैं। लस्सी पीते हैं ना, यहाँ की लस्सी भी बहुत फेमस है, माखनिया लस्सी है बढ़िया। माखनिया यहाँ तो दूध और मलाई बहुत खाते हैं लोग, दूध मलाई और माखनिया लस्सी। माखनिया लस्सी तो आप जब आए तो यहाँ पर ये माखनिया लस्सी जरूर टेस्ट करें। लेकिन एक चीज बताइए, इस बार क्या लग रहा है कि चुनाव में किसका मुंह मीठा करवाएंगे, लस्सी पिलाएंगे आप लोग? अभी बीजेपी का ही चल रहा है सर, बीजेपी ज्यादा चल रही है, हमारे गांव में भी बीजेपी चल रही है। कौन से गांव से आते हैं? हम जैतान साइड। अच्छा, कौन से जिले में? वो ब्यावर जिले में है, मगर बीजेपी का डंका ही चल रहा है उधर, तो सब बीजेपी लोगों को। तो क्या वजह है कि बीजेपी का डंका बज रहा है? तो बीजेपी ने काम बढ़िया किया तो सब बीजेपी के करेंगे। अच्छा। हमारे गांव में विकास है सब चीज का, बीजेपी बढ़िया है तो बीजेपी है। अली अकबर। क्या करते हैं? एडवोकेट सर। एडवोकेट हैं। क्या लग रहा है कि जोधपुर में और राजस्थान में इस बार किसका डंका बजेगा चुनाव में? अब कांग्रेस ही, कांग्रेस ही आएगी। क्या नाम है जी आपका? उमेश खत्री। उमेश खत्री, क्या लग रहा है किसका डंका बज रहा है इस बार चुनाव? बीजेपी का। बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का। तुम लोग तो कह रहे हैं अशोक गहलोत जी का गढ़ है, यहाँ तो कांग्रेस ही आएगी। वो अपने जगह आ सकते हैं, उनकी बात बिल्कुल सही, अपने सदर एरिया में आ सकते हैं, पर मेरा मानना है इस बार बीजेपी का डंका बजेगा, हर जगह बीजेपी फूल फूल खिल रहे हैं। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र। सुरेंद्र जी, क्या लग रहा है इस बार कौन आएगा? भाई हिसाब से तो बीजेपी आनी चाहिए, बीजेपी का, क्योंकि कांग्रेस है अभी है तो अबकी बार बीजेपी का पलड़ा भारी है। क्या कह रहे हैं? एग्जाम नहीं गया, कैंसिल नहीं हुआ, वैकेंसी आई बहुत बार कट होगी, रद्द कर दी, हर एग्जाम में ऐसा हो रहा था, हमारे क्या फायदा हुआ ये बताओ ना, कोई फायदा हुआ है हमसे? कांग्रेस ने युवाओं का क्या फायदा हुआ? 1% भी 10% भी बताने ये फायदा हुआ? कोई कुछ नहीं है, बस वोटों से पहले ना मोबाइल वाली योजना चली तो बस 3 महीने भी नहीं चले कंटिन्यू। जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत बीजेपी के, तो अशोक गहलोत कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं, लेकिन इस बावजूद इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है, और वो हमने आपको दिखा दिया है जोधपुर के अलग अलग इलाकों में, मोहल्लों में और बाजारों में जाकर। धरती पुत्र में आज इतना ही, आप देखते रहिए टाइम्स नव भारत।